आज हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन इंजन की। जैसा आप देख रहे हो मेरे पास एक गैस टरबाइन इंजन है, इसके हर एक पार्ट को डिटेल में आज प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं कि कौन से पार्ट का क्या काम होता है और वो कैसे कैसे इस टरबाइन इंजन में फिट होता है। तो सबसे पहले ये देखो, एक कॉम्पैक्ट इंजन, यानी कि जैसे एयरक्राफ्ट में इसे लगाया जाता है, ये इस तरह से एक कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है। ये आप जो देख रहे हो एक टर्बो प्रोपेलर इंजन है, ठीक है। यहाँ पूरी कॉम्पैक्ट इंजन आपको दिख रही है, ये सारी एक्सेसरीज वगैरह लगी होती है, ये मोटर हो गया, ये जनरेटर हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी होती है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, यानी खुले हुए एक इंजन को हम देखने वाले हैं कि एक इंजन क्या चीज होता है, उसके अंदर जो पार्ट होते हैं वो दिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं और ये स्प्लिट इंजन यानी जो खुला हुआ एक डिफरेंशियल इंजन है इसको दिखाते हैं। सबसे पहले ये पार्ट, यानी कि ये है एक टर्बो प्रोपेलर इंजन, तो हम जानते हैं इसमें गियर सिस्टम यूज होता है। तो ये एक सन प्लेनेटरी गियर सिस्टम होता है जो बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बीच में छोटे छोटे गियर्स लगे हुए हैं, बीच में ये लगा हुआ है, तो ये सन हो गया, ये प्लेनेट की तरह काम करते हैं, इसलिए इसे सन प्लेनेटरी गियर सिस्टम बोला जाता है। फिर आगे आते हैं, तो ये होता है इंजन का इंजन।